हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पर स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को सिखा रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किए थे। और देखिए, आज प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट एपिसोड है, अगला एपिसोड है। अब देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया है। देखिए, ज़्यादा मिनट की तो क्लासें हैं नहीं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासें हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 सवाल लगा देते हैं। और देखिए, ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सवालों को सॉल्व करिए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। हर देखिए हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करते हैं और आप लोग इसका आनंद लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए अब क्या है, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। एक वस्तु को 43% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जाता है? 43% के लाभ पे बेचा जाता है। कहने का मतलब 100 की कोई चीज़ है उसे 143 में बेचा जाता है, 43% के लाभ पे। कहने का मतलब 100 की कोई चीज़ है उसको 43% लाभ पे बेचने का मतलब 143 में बेचा जाता है। फिर इसके बाद सवाल में क्या कहा गया, यदि लागत मूल्य में 30% की वृद्धि हो, लागत मूल्य में 30% की वृद्धि हो। लागत मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? लागत मूल्य। क्रय मूल्य मतलब लागत जो तुमने खरीद के लाए। अगर इसमें हम 30% की वृद्धि कर दें, कितने परसेंट की वृद्धि कर दें? 30% की वृद्धि कर दें, तो ये चीज़ कितने में आ गई? 130 रुपये में। कितने रुपए में आ गई? 130 रुपए में। फिर इसके बाद कहा गया है, इसके बाद कहा गया है और बिक्री मूल्य समान रहता है। क्या रहता है? बिक्री मूल्य समान रहता है, बिक्री मूल्य समान रहता है। जब बिक्री मूल्य समान रहेगा तो इसका मतलब 143 रुपए में। बिक्री मूल्य कितने में रहेगा? 143 रुपए में। कहने का मतलब 100 रुपए की चीज़ है उसको 43% लाभ पे बेचा जाता है तो 143 में बेची जाएगी। यदि लागत मूल्य को 30% बढ़ा दिया 130 में, बिक्री मूल्य हमने समान रखा, बिक्री मूल्य जितना था उतना ही रखा, तो पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब एक बात बताओ, 130 में खरीद के लाए, 143 में बेच दी, 130 में खरीद के लाए, 143 में बेच दी, कितने रुपये का फ़ायदा लिया? 13 रुपये का लिया ना, 13 रुपये का फ़ायदा लिया। कितने पे लिया? 130 पे 13 रुपये का फ़ायदा लिया इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 13 से 13 कट गया, कितना बचा? 10%। कितना बचा? 10%। देखिए अच्छा सवाल है, 10% लाभ बचा। कितना बचा? 10%। अच्छा सवाल है और इसको अच्छी तरीके से करना, ठीक है। देखिए सवाल में जो कहा जाए, सवाल में जो कहा जाए वैसे चलते रहिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, कुछ बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं जानते। देखिए सब्सक्राइब जो होता है, जब यूट्यूब चलाते हैं नीचे रेड कलर की एक बटन आती है उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे सवाल है, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। देखिए इस सवाल को चाहे तो ट्रिक से करिए, चाहे तो यक से करिए, चाहे तो ट्रिक से करिए। देखिए तुम्हें दोनों तरीका बता देते हैं, आज दोनों तरीका बता देते हैं और समझ लीजिए। अच्छा सवाल है, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। देखिए एक हमने वस्तु ए लिख ली और एक बी, ये 100 रुपये अधिक है, कितनी है? 100 रुपये अधिक है। फिर इसके बाद क्या बताया है, वस्तु ए पर 40% लाभ, वस्तु बी पर 40% की हानि। एक बात यहाँ पे बताइए कि ये 100 रुपये अधिक है, बाकी तो बराबर होगा। जैसे मान लिया अगर ये 500 है, 600 है, ये 100 रुपये अधिक मान ली और इसको हमने मान लिया 500, तो ये भी 500 होगी, होगी नहीं होगी, बराबर है। मतलब कहने का मतलब 100 रुपये अधिक है, खाली कितने अधिक है? 100 अधिक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, क्या आती है कि 40% लाभ होता है और 40% की हानि होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरो। एक पे 40% लाभ, एक पे 40% हानि, क्या हो गया? जीरो। लेकिन 100 रुपये इसके अधिक हैं, कितने अधिक हैं? 100 रुपये इसके अधिक हैं, तो इस पे भी तो 40% लाभ होगा, इस पे भी तो 40% लाभ होगा। कहने का मतलब जितने इसके थे, जितने इसके थे, इस पे 40% लाभ हुआ, इस पे 40% हानि हुई, बराबर हो गया।
जैसे मान लेते इसका 100 था, इसका भी 100 था, इस पे 40% का लाभ हुआ, इसका मतलब 40 रुपये का लाभ हुआ, इस पे 40% की हानि हुई, इसका मतलब 40 रुपये की हानि हुई, इस पे 40 का लाभ हुआ, इस पे 40 की हानि हुई, तो ये कट के क्या हो गया, 0, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। लेकिन ये 100 रुपये अधिक था, 100 रुपये अधिक था, तो इस पे 40% लाभ कितना हो जाएगा, 40 रुपये नहीं हो जाएगा, बताइए 100 रुपये पे 40% 40 रुपये नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों वस्तुओं पे कितने रुपए का लाभ आ गया, 40 रुपये का लाभ आ गया, कितने का लाभ आ गया, 40 रुपये का। देखिए इसका लाभ इसकी हानि कैंसिल, मतलब दोनों को मिला के इस पे 100 रुपये फाल ज़्यादा था, 100 रुपये ज़्यादा था, तो इसका 40 रुपये आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों का लाभ कितना आया, 40 रुपये, ओवरऑल कितना लाभ आया, 40 रुपये आ गया, क्योंकि 40% आया लाभ। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, यदि संपूर्ण लाभ का प्रतिशत, संपूर्ण लाभ का प्रतिशत 5% है, संपूर्ण का मतलब ओवरऑल, मतलब टोटल का 5% है, टोटल का 5% कितना आया, 40 रुपये आया, टोटल का 5% कितना आया, 40 रुपये आया। हम यहाँ से 100% का मान निकाल लेते हैं ओवरऑल, मतलब ये ओवरऑल 5% है, ओवरऑल 40 रुपये आया फायदा, ओवरऑल हम 100 निकाल लेते हैं दोनों का, तो 100 का कितना हो जाएगा, 20 का इसमें गुणा किया गया, तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 800। अब इसका कहने का मतलब इन 800 रुपये को दोनों में बांट देना है, 100 तो इसे अधिक मिले गए, बाकी तो बराबर हुए होंगे, बच्चे कितने 800 से 100 निकल गए, 700, तो इसका मतलब 350 इसे मिले होंगे और 350 इसे मिले होंगे, तो इसे कितने मिले, 450, 100 ये अधिक नहीं थे, तो इसे मिले 450, इसे मिले 350। समझ आया, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया होगा तो देखिए एक और तरीका इसका बता देते हैं। हमने मान लिया एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, अब इसमें क्या है, इसे मान लिया 100x में, इसको भी 100x मिले, कितने 100x, इसे 100 अधिक थे, कितने अधिक थे, 100 अधिक थे, तो इसके हमने 100 अधिक कर दिए। अब इस पे 40% का लाभ हुआ, 40% का इस पे 100x पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40x, इस पे 40 का करेंगे नहीं, हाँ 40x इस पे लाभ हो गया, कितना हो गया, 40x लाभ हो गया, और 100 पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इस पे 40% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा, 40x की हानि हो गई, 40x की हानि हो गई। अब देखिए ओवरऑल इन्होंने क्या बताया है, ओवरऑल 5% का फायदा हुआ, कितना परसेंट का फायदा हुआ, 5% का, 5% का हुआ। अब यहाँ से देखिए 5% इसका, इस पे 5% का फायदा हुआ, ओवरऑल 5% का फायदा हुआ, तो 5% का फायदा का मतलब क्या हो जाएगा, 5x प्लस इस पे 5, इस पे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5, इस पे भी 5% का, देखिए ओवरऑल 5% का फायदा मिला है, इस पे 5% मिला है तो 5x, इस पे 5% मिला है 5, तो इस पे भी 5% मिला, तो कितना हो गया, 5x, ओवरऑल 5% मिला है, बराबर कितना मिला है, 40 रुपये, 40 रुपये क्यों मिला है, क्योंकि 100 रुपये जो अधिक था उस पे 40% अधिक मिला है, ओवरऑल कितना मिला है, 40 रुपये। अब कहोगे ये 40 कहाँ से आए, देखिए इस पे 40% लाभ हुआ, इस पे 40% हानि हुई, कट गया, कितना लाभ आया, 40 रुपये का लाभ आया। यहाँ से एक बात समझिए, इसे 100x मिला, इसे 100x मिला, इसे 100 रुपये अधिक मिला, इस पे 40% का लाभ हुआ, 40% लाभ का मतलब इसका 40x हो जाएगा, 100 का 40 हो जाएगा, इस पे 40% की हानि हुई, मतलब 40x हो जाएगा। अब यहाँ से 40% लाभ हुआ, यहाँ से 40% हानि हुई, ये तो कट गया, कुल मिला के 40 रुपये का लाभ हुआ नहीं हुआ, इसके हिसाब से 5% ओवरऑल पूरे पे दोनों पे 5% का फायदा हुआ, इस पे 5% 5x, इस पे 5% 5, इस पे 5% 5x, और ओवरऑल कितना फायदा हुआ, 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 5 5 10x, 5 इधर जाएंगे घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 35, 10 से जब 35 आ जाएगा, 10x का मान 35 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 350, 100x का मान कितना हो जाएगा, 350, ये तो 100x आ गया 350, इसका मान आ गया 350। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु बी का 350 आ जाएगा, इसका 450 आ जाएगा, क्योंकि इसका 100 अधिक है। अच्छा सवाल है, और देखिए इसको हमने दोनों तरीके से बता दिया, जो तरीका तुम्हें बेस्ट लगे उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तो यक्स वाला तरीका हो गया, ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। देखिए आप लोगों को मिनट बचाने हैं, क्या करना है, मिनट बचाने हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हो ये मायने रखता है, ये नहीं कि हम सवाल कर लेते हैं, सवाल 2 घंटे में 5 करो तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए आगे सवाल, देखिए आगे सवाल ये है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 24 रुपये में बेचने पर
20% नहीं, 2x रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, समझिए 2x रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का फायदा होता है, 20% का, तो इसका मतलब 120% आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहा गया, वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और जैकेट पर 3x मूल्य अंकित कर देता है, जैकेट पर कितना मूल्य अंकित कर देता है, 3x मूल्य अंकित कर देता है, 2x में 120% होता था, वो 3x लिख देता है, अंकित कर देता है, मतलब चिट लगा देता है, कितने एक्स की, 3x की, तो क्या होता है 3x अंकित कर देता है, वह स्टॉल पर 40% छूट दे देता है। एक बात यहाँ से समझिए, अगर ये 40% की छूट दे देगा, इसका मतलब ये बेचेगा कितने में, 60% में बेचेगा, 40% की छूट दे देगा कोई चीज़, जैसे 100 रुपये की चीज़ है, हम कहें इस पर 40% की छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब बेच कितने में रहे हैं, 60% में बेच रहे हैं, तभी तो 60 रुपये में आएगा, तो 60% में ये बेच रहा है, तो 60% में जब बेचेंगे तिछाक 18 कितना आ जाएगा, तिछाक 18 180 में जब भाग देंगे तो 108 कितना आ जाएगा, 100 मतलब 1.8x में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 1.8x में। देखिए इस पर जब 40% छूट दे देंगे तो 1.8x में बेचेंगे। अब यहाँ से एक बात समझिए, 2x का मान 120 है, x का मान निकालने यहाँ से 60% आ जाएगा, 2 से काट दिया, x का मान 60% 1.8x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 60%, हम कहें 2x का मान 120%, हम कहें 3x का मान 180%, मतलब जितने x का मान पूछा जाए उतने का गुणा कर दीजिए, हम कहें 1.8x का मान तो 1.8 का इसमें गुणा कर देंगे, जब 1.8 का इसमें गुणा करेंगे 18 × 108 कितना आ जाएगा, और 0.10 तो कितना आ जाएगा, 108% आ जाएगा, 108% में बेचिएगा, 108% का मतलब क्या हो जाएगा, 8% का वो लाभ लेगा, कितने परसेंट का, 8% का। अच्छा सवाल है, और इसको करिए घर पे भी करिए और अच्छे तरीके से करिए, सभी लोगों के समझ में आ जाएगा, और ऐसे ही सवाल और चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे सवाल देखिए, रमेश ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा, क्या किया, रमेश ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा, जब लागत मूल्य 15% कम हो जाता है उसके क्रय मूल्य पर लाभ हानि का प्रतिशत होगा यदि वह भी विक्रय मूल्य पर 15% की कमी करता है। एक बात यहाँ से बताइए, वो किस पे करता है, सीपी और एसपी क्या करता है, रमेश एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, किस पे बेचता है, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर हमने विक्रय मूल्य 100 मान लिया, विक्रय मूल्य 100 मान लिया, 20% लाभ पर बेचता है विक्रय मूल्य पर, अगर 100 पे 20% का लाभ बेचता है, 100 पे 20% लाभ लेता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेता है, तो कहने का मतलब लाया कितने में होगा, 80 रुपये में लाया होगा, बताइए 100 रुपये का 20% कितना होगा, 20 होगा, इस पे वो 20% फायदा लेता है, कितना लेता है, 20% फायदा लेता है, विक्रय मूल्य पर मतलब 100 पर 20% कितना, 20 रुपये का फायदा लेता है, 100 रुपये में जब बेचता है तो लाता कितने में होगा, 80 रुपये में लाता होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया है, बेचता है जब लागत मूल्य को 15% कम हो जाता है, लागत मूल्य को अगर हम 15% कम कर दें, 15% कम कर दें तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15×8 = 120 और 1 0 और 1200 हो जाएंगे बटे 100, तो कितना 12 रुपये की छूट दे देगा, कितने रुपये की छूट दे देगा, अगर नहीं निकालना जानते हो तो ऐसे कर लीजिए, 80×15% का मतलब क्या होता है, बटे 100, 1 0 से 1 0 15×8 = 120 बटे 10 1 0 से 1 0 और कितना आ गया, 12 रुपये की छूट देते। अब देखिए यहाँ से इसने क्या किया, 12 रुपये की छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, 68 रुपये में, कितने में बेचेगा, 68 रुपये में। फिर इन्होंने क्या कहा, वो विक्रय मूल्य पर भी 15% की कमी करता है, इस पर भी 15%, 100 का तो सीधे 15% 15 होता है, इस पे 15% की कमी करता है, इसका मतलब इसे 85 रुपये में बेचता है। अब यहाँ से देखिए वो कितने रुपये का फायदा लेता है, 68 में लाता है, 85 में बेचता है, कितने की फायदा लेता है, 17 रुपये की, कितने पे लेता है, 68 × 100 17 × 68 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, कितना आ जाएगा, 25% लाभ लेता है, ठीक है। अच्छा सवाल है और इसको कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद
और आगे अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। क्या है सवाल, अब देखिए ये सवाल देखिए, देखिए अभी तक हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन है हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, और इससे क्या है आप लोगों के टाइप भी कवर हो जाएंगे। और देखिए ऐसे ही सवाल आप कहीं किताब से ढूंढ ढूंढ के, देखिए यही सब सवाल हैं, इनके टाइप देखिए सब कवर करवा देते हैं। और क्या है, नंबर बदले होंगे किसी में, संख्याएं बदली होंगी, सवाल तो वही हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अमन दो वस्तुओं को 1767 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है, दो वस्तुओं को 1767 रुपये में बेचता है, यदि वह पहली वस्तु को 10% हानि पर, CP और SP, पहली वस्तु को 10% किस पे, हानि पे, 10% का मतलब जानते हो 1/10, 10% का मतलब 1/10, 10% हानि पे 10 की चीज़ 9 में बेच दी, 10% हानि का मतलब 10 की चीज़ 9 में बेच दी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ 4 पे 1 फ़ायदा लेता है, 1/4 होता है, 4 पे 1 का फ़ायदा लेता है, तो 4 की चीज़ कितने में बेचेगा, 5 में। फिर इन्होंने क्या बताया है, लाभ पर बेचता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि की राशि ज्ञात करें, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु, यहाँ पे ये पहली वस्तु है और यहाँ पे ये दूसरी वस्तु है, इन्होंने कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये भी 10 में ये भी 10 में हो गई। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते थे, जब इसे 10 कर लिया, 5 का मान 10 है तो 4 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 की चीज़ लाया 9 में बेचा तो क्या हुआ, 1 की हानि हुई, 8 की चीज़ 10 में बेचा तो क्या हुआ, 2 का लाभ हुआ, ओवरऑल उसे कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ, 2 का फ़ायदा लिया 1 का घाटा हुआ, तो 1 का फ़ायदा हुआ, 1 का उसने लाभ लिया। अब इसने क्या किया है, दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में, 1767 रुपये में, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, दो वस्तुओं को 1767 रुपये में बेचता है। देखिए एक वस्तु को 9 रुपये में बेचता है, एक वस्तु को 10 रुपये में बेचता है, हमारे हिसाब से 19 रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है, 19 रुपये में, 19 रुपये में बेचता है, इनके हिसाब से 1767 रुपये में बेचता है, तो 19 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 17 नेमा 171, यहाँ बचे 5, 57 हो जाएंगे, नहीं 19 नेमा 171, यहाँ 5 बजे 57 हो गए, 19 57, 1 का मान कितना आ गया, 53, यहाँ 1 का मान निकालना था, 1 का मान कितना आ गया, 93 आ गया, कितना आ गया, 93। ठीक है, अच्छा सवाल है और इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर 93 रुपये, ठीक है 93 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसके बाद देखिए और आगे सवाल देखिए, और इसके बाद क्या है, अब देखिए ये अच्छा सवाल है, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा वैसा क्वेश्चन में करते जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बाकी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए सवाल क्या है, एक डीलर फर्नीचर को 60% लाभ अंकित करता है, एक डीलर फर्नीचर पर 60% अंकित करता है, मतलब 100 की चीज़ को 160 रुपये अंकित कर देता है, अंकित का मतलब जानते हो, कोई दुकानदार क्या करता है, एक चिट लगा देता है अपनी तरफ से, कोई चीज़ कितने में आई उस पर चिट लगा के अपनी चिट लगा देता है, मतलब 60% अंकित कर देता है, 100 की चीज़ 160 में अंकित कर दिया, फिर क्या करता है, अंकित कर देता है, लेकिन 50% छूट की बिक्री की घोषणा करता है, लेकिन 50% की घोषणा कर देता है कि 50% हम छूट देंगे, जब वो 50% छूट देगा 160 पे 50% का मतलब आधा, तो वो कितने में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा, नहीं बेचेगा बताइए, 160 जब 50% छूट देगा तो वो 80 रुपये में बेचेगा। फिर इन्होंने क्या कहा है, उसे घाटा हुआ, देखिए यहाँ पे इसे घाटा हुआ, 100 की चीज़ लाया 80 में बेची नहीं पड़ी, कितना घाटा हुआ, घाटा हुआ, उसे अंकित मूल्य से कितनी अधिक बोली लगानी चाहिए ताकि उसकी हानि लाभ प्रतिशत में बराबर हो जाए, जितनी उसकी हानि हुई है लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाए, मतलब हानि उसे कितनी हुई है, यहाँ से समझिए, हानि उसे कितनी हुई है, हानि यहाँ पे हुई है 20% की, कितने परसेंट की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, वो कितना अधिक अंकित करेगी उसे 20% का लाभ हो,
मतलब जितने परसेंट की हानि उतने के बराबर लाभ बताया गया है, तो उसे 120 अंकित करना चाहिए, मतलब 120 में बेचना चाहिए, तभी तो मतलब 20% का लाभ होगा, तो उसने 120 रुपये में बेची। लेकिन इन्होंने क्या कहा, 50% की छूट देता है, 120 50% 240 का 50% होता है 120, होता है कि नहीं होता है, तो उसे 240 अंकित करने होंगे, जिससे कि वो 50% की छूट भी दे देगा, तब 120 में बेचना पड़ेगा, तब भी उसे 20% का फायदा हो जाएगा। तो उसने उसे कितनी अधिक बोली लगानी पड़ी, पहले 160 रुपये की, फिर कितनी अधिक बोली लगानी पड़ी, 80 रुपये की अधिक बोली लगानी पड़ी, 160 से 240 कितने रुपये की, 80 रुपये की। देखिए 80 रुपये की अधिक बोली लगानी पड़ी, अच्छा सवाल है। और देखिए इस तरीके से जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी घर पे करना, और अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाके प्रैक्टिस के लिए सवाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो चैनल को अभी देखिए नीचे जो है सब्सक्राइब का एक बटन जल रहा होगा लाल कलर का, उस पर जाके क्लिक करें और लाइक का बटन, अंगूठा वाला बटन दबा के लाइक कर दें, जिससे कि देखिए कोई भी दो बार सब्सक्राइब मत करना, दो बार करने से क्या होता है वो हट जाता है, एक बार लाइक और एक बार सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।